आज हम दशम कक्षाया विषय संस्कृत के अंतर्गत जो पाठांतर यानी पाठ के अंतर्गत जो प्रश्नोत्तर हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए। जैसे आप देख रहे हैं पाठांत प्रश्नोत्तर, ये हम पढ़ेंगे एक पदेन उत्तरम। ठीक है, अधोलिखता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया एक पदेन लिखत। पहला है अत्र जीवनम कीदृशम जातम, तो कैसा जाएगा? दुर्वहम, कठिन। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, तो कालायस चक्रम यानी लोहे का चक्र। केसाम माला रमणीया, तो हरित तरु ललित लता नाम, हरे हरे वृक्षों सुंदर लताओं की। फिर है बुद्धिमती कुत्र व्याघ्र ददर, बुद्धिमती ने कहां बाघ को देखा? गहन कान में, घने जंगल में। सर्वदा सर्व कार्यसु का बलवती, बुद्धि। फिर है प्रयत्त पन्नमति बुद्धिमति किम अक्षिपंति उबाच, तो क्या आएगा? जंबू कम यानी स्यार को। ठीक है ना, किसको झड़कते हुए बोली? स्यार को। फिर है परमम आरोग्यम कस्मात उपजायते, व्यायामात यानी व्यायाम से। निरोगता किससे मतलब होती है? व्यायाम से। कस्य मासम स्त्री भवती, व्यायाम व्यायाम भिर तस्य। ठीक है, फिर है सदा का पथ्य, तो क्या आएगा? व्यायाम। सदा का पथ्य व्यायाम है। सदा का पथ्य, सदा कौन? कल्याणकारी व्यायाम। फिर है दुर्बले सुते कस्याम अधिका कृपा भवती, तो क्या आएगा? मातु। कमजोर पुत्र किसकी अधिक कृपा होती? मातु। कयो एका एका शरीर दुर्बला आसी, तो बली वर दयो, दोनों बैलों में से कौन? दोनों बैलों में से जिसे दुर्बलता, बली वर दे दोनों बैलों में से। ब्रश्वा दीन दीन हेती जानन नपी कहा तम नदय माना आसीत, है ना? तो बैल दीन है, ये जानते कौन उसको हाँक रहा था? कृषक यानी किसान। ये प्रश्न है, ये उत्तर। पशुना आपी कृदृशा ग्रहते उदीरितो तार्थ, उदय समय अस्त समय च क रक्त भवती सविता। केशाम संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, महताम यानी महान लोगों की। मनुष्यनाम महान रिपु कह, मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन? आलस्यम। कौन होता है? आलस्यम। काक चेष्टा विद्यार्थी कीदृश छात्र मन्यते, तो आदर्श। कह आत्मना बलशाली विशालकाय पराक्रमी च कथयति, तो क्या आएगा यहां पर? गज, हाथी। बका कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्षति, तो बराकान। त्रिदेशे प्रदेशे पदयात्रा न सुखावहा, कैसे स्थान पर पैदल यात्रा ठीक नहीं? सुनसान। अतिथि केन प्रबुद्धा, तो पाद ध्वनिना यानी पैरों की आवाज से। अब यहां पर देखिए पूर्ण वाक्य है। कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इक्षति, तो अत धरातले जीवतम द्रोहम जातम, अतः कवि प्रकृते शरणम इक्षति। कस्मात कारणात महानगरेषु संसरणम कठिन वर्तते, तो मार्गेषु याननाम अंधता पंकता संति, एतस्मात कारणात महानगरेषु संसरणम कठिन वर्तते। कवि कुत्र संचारणम कर्तुम इक्षति, कवि क्षणम एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इक्षति। लोहे महतो लोके महतो भयात काम उच्चते, लोको महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते। संसार में बड़े से बड़े भय से बुद्धिमान छूट जाता। जंबू का किम बदन व्याघ्रह से उपहासम करोति, व्याघ्र त्वा महत कौतुम आवेदतम यन्मानु पादपि विवेशयति बदनम, जंबू का व्याघ्रह से उपहासम करोति। बुद्धिमती केन उपेता पितुग्रह प्रतिचलिता, बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुग्रह प्रतिचलिता। कीदृशं कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, शरीरा यास जननम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। व्यायामात किम किम उपजायते, श्रम श्रम कलम पिपासा उष्ण शीत आदि नाम सहिष्णुता परम चारोग्यम अपि व्यायामात उपाजते।
इस प्रकार कियता बलेन व्याम कर्तव्य, तो बलस्य अर्धेन व्याम कर्तव्य। कृषका किम करोति स्म, कृषका बलिवर्दभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति स्म। माता सुभि किमर्थम अश्रुणु मुंचति स्म, भूमि पतिते स्वपुत्र दृष्ट्वा माता सुभि अश्रु पूर्ति मुंचतः। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किमुत्तरं ददाति, सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरं ददाति, यते वासवा अहम पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा रोदमि इति। मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति, मातु अधिका कृपा दुर्बले सुते भवति। इंद्र दुर्बल वृषभ्यः कष्टानि आपकर्तुं किं कृतवान्, इंद्र दुर्बल वृषभ्यः कष्टानि आपकर्तुं दृष्टिं कृतवान्। केन समः बंधु नास्ति, उद्यमेन समः बंधु नास्ति, बसंतस्य गुणं कं कः न जानति, बसंतस्य गुणं पिका जानति, बसंतस्य गुणं कः जानति, तो बसंतस्य गुणं पिका जानति। केन समा बंधु नास्ति, उद्यमेन समा बंधु नास्ति, बसंतस्य गुणं कः जानति, बसंतस्य गुणं पिका जानति। नाराणां प्रथमा शत्रु का, नाराणां प्रथमा शत्रु क्रोधः। प्रश्न निर्माण, षटकियायां कज्जल मलिनं धूमं मुञ्चति। प्रश्न निर्माण है, षटकियायां त्रिदिशं धूनं मुञ्चति, तो यहाँ पर की दृश्यम जो है आया, इससे प्रश्न निर्माण बना। दूसरा, उद्याने पक्षण कलरव चेत प्रसादति, तो प्रश्न निर्माण उद्याने केशाम कलरव चेता प्रसादति। महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्ता धावंती, प्रश्न निर्माण केशु वाहनानाम अनंता पंक्ता धावंती, है ना। फिर है, तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति, वहां राशि नाम का पुत्र रहा करता था। बुद्धिमती चपेट रहा पुत्रों प्रहवती, तो बुद्धिमती ने थप्पड़ से दोनों पुत्रों को मारा। प्रश्न निर्माण बुद्धिमती कया पुत्रों प्रहवती। त्वम अनुषात विभेषी, तो प्रश्न त्वम कस्मात विभेषी। अरा व्यामिना न अर्धयंती, तो के व्यामना न अर्धयंती, शत्रु गण व्यायाम करने वाले को नहीं कुचल पाते। आत्म तैसी भी सर्वदा व्यायाम कर्तव्य, अपना कल्याण चाहने वालों के द्वारा सदा व्यायाम करना चाहिए। कह प्रश्न निर्माण आएगा, कह व्यायाम कुर्वन्तः विरुद्ध भोजनम अपि परिपच्यते, तो प्रश्न निर्माण क्या आएगा, व्यायाम कुर्वतः कीदृशम, ठीक है। सुराधिपः ताम अप्रक्षत, इंद्र ने उससे पूछा, तो क्या है, कह ताम अप्रक्षत, किसने पूछा, तो क्या आएगा, कह। इस प्रकार से अयम अन्योभ्यो दुर्लभः, वह दूसरों से कम जो प्रश्न है, अयम केभ्यो दुर्लभः। धेनुनाम माता सुरभि आसीत, गायों की माता सुरभि थी। प्रश्न नाम कासम माता सुरभि सुरभि आसीत। फिर है, न्यायाधीश बंकिम चंद्र चंद्र आसीत, तो न्यायाधीश बंकिम चंद्र था, तो प्रश्न निर्माण क्या बनेगा, न्यायाधीश कह आसीत, न्यायाधीश कह आसीत। इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर जो प्रश्नोत्तर है, पाठांत प्रश्नोत्तर है, और एक पदे ने एक वाक्य ना दो लिखित वाले, उनको पढ़ाया समझाया। आप इनको परीक्षा के लिए अच्छे से तैयार करें।